Hello everyone, I'm Dr. Mohal Banker, interventional radiologist from Ahmedabad, and we are situated into the western part of India, and this case is done by me and my partner Dr. Rosil Gandhi, and we are going to show you the best treatment for the heel pain in this case. So this patient has a complaint of heel pain. Particularly patient has a more pain into the morning during the first step when she come out from her bed, and first few steps are very painful, but this pain gradually reducing after the first few steps. And the patient has a similar complaint when she goes out in a car. जब भी वो कार में से बाहर निकलती थी तब उनको उसको बहुत ही पेन होता था. एंड ऑल्सो जब भी किचन में कुछ भी खड़ा रखे काम करने जाती थी तो शी हैज इनटॉलरेबल पेन, और इसकी वजह से वो अपना जो रूटीन काम है वो नहीं कर पाते थे. शी हैज टेकन लॉट्स ऑफ फिजियोथेरेपी, दो तीन तो इंजेक्शन भी लिए थे स्टीरोइड्स के हील के अंदर, बट नथिंग इज रिस्पॉन्डिंग. सो ये पेशेंट कई सारे क्लिनिशियंस को दिखाने के लिए इन लास्ट कपल ऑफ मंथ्स गए थे, और उनको यही एडवाइस मिली थी कि ये आपका जो बोन यहाँ पे सो हड्डी बढ़ रही है उसी की वजह से आपको पेन है. ये जो बोन का पार्ट जो बढ़ रहा दिख रहा है, जो यहाँ पे एरो मार्केट है, वो दिस कॉल्ड कैल्किलिन स्पर. एंड कैल्किलिन स्पर एक्चुअली इट्स अ प्रोटेक्टिव मैकेनिज्म. ये मिस नॉर्मल है कि ये जो हड्डी का पार्ट बढ़ रहा है उसकी वजह से पेन है. एक्चुअली ये प्लांटर फेशिया होती है, उस पर पूरा का पूरा बॉडी का प्रेशर आता है. तो ये प्लांटर फेशिया पे प्रेशर कम करने के लिए बॉडी ये कैल्किलिन स्पर डेवलप करती है. सो इट एक्चुअली इट्स अ प्रोटेक्टिव मैकेनिज्म, उसकी वजह से दर्द हो ऐसा नहीं होता है. बट इट्स अ मिस नॉर्मल इन जनरल सोसाइटी एंड इन मैनी क्लिनिशियंस ऑल्सो कि ये कैल्किलिन स्पर इज अ कल्प्रिट फॉर हील पेन, बट ऐसा नहीं है. नाउ व्हाट इज द कॉज ऑफ हील पेन इन दिस पेशेंट. सो आप देखेंगे तो ये जो फुट का पोर्शन है, फुट के पोर्शन के एग्जैक्टली नीचे के पार्ट में ये प्लांटर फेशिया होता है, और फेशिया का काम क्या है कि पूरा जो फुट आर्च को मेंटेन करना और जो बॉडी का जो प्रेशर है वो एब्जॉर्ब करना. और कई कई बार ऐसा होता है कि जब हम फुट को ज़्यादातर यूज़ करते हैं, कई ज़्यादा वॉक करते हैं, एक्सेसिव कुछ एक्सरसाइज कर लेते हैं, या तो हाई हील शूज़ पहनते हैं, या कुछ ना कुछ कोई ना कोई ऐसा प्रोवोकिंग फैक्टर रहता है जिसकी वजह से ये प्लांटर फेशिया के जो फाइबर्स हैं उसको डैमेज होता है. और यहाँ पे इस डैमेज की वजह से इन्फ्लेमेशन शुरू होता है. मोस्ट ऑफ द टाइम ये इन्फ्लेमेशन विद इन 3 मंथ्स सबसाइड हो जाना चाहिए, जो हीलिंग होना था वो हो जाना चाहिए, बट मैनी टाइम्स दिस इन्फ्लेमेशन कंटिन्यूस फॉर मोर देन 3 मंथ्स, एंड 3 मंथ्स के बाद भी ये पेशेंट को पेन कंटिन्यूस रहता है, जिसको प्लांटर फेशियाडिस कहते हैं. और प्लांटर फेशियाडिस की ट्रीटमेंट इसमें हमने की है. सो नाउ ये क्या है नई ट्रीटमेंट हील पेन के लिए. तो दैट इज कॉल्ड प्लांटर आर्टरी एम्बोलाइजेशन. तो जो आर्टरी ये इन्फ्लेमेशन के लिए साइटोकाइंस रिलीज करती है उसको हम टारगेट करते हैं, और वो जो टारगेटेड वेसल्स के अंदर हम स्मॉल एम्बोलाइजिंग पार्टिकल्स इंजेक्ट करते हैं, जिसकी वजह से ये साइटोकाइंस की रिलीज रुक जाती है और इन्फ्लेमेशन सबसाइड हो जाता है, जिसकी वजह से पेशेंट्स को पेन चला जाता है. तो आप ये एंजियोग्राफी की इमेज में देखेंगे कि पेशेंट को एक छोटा सा स्मॉल माइक्रो कैथेटर के वहाँ से हमने इंजेक्ट किया है. कॉन्ट्रास्ट आगे बढ़ रहा है, और यहाँ पे प्लांटर फेशिया की अटैचमेंट होती है कैल्किनियम के साथ, और ये कैल्किनियम के यहीं पे प्लांटर फेशियाडिस डेवलप होता है, और वहाँ पे आपको ये कालापन जो दिख रहा है, दिस ब्लैकनेस इज हाइपर वास्कुलैरिटी, जहाँ पे इन्फ्लेमेशन काफ़ी मात्रा में है, यहाँ पे साइटोकाइन रिलीज हो रहा है, पेशेंट को पेन भी यही इसी जगह पे फील होता है. और बाय डूइंग दिस सिलेक्टिव एंजियोग्राफी वी हैव आइडेंटिफाइड कि दिस इज अ कल्प्रिट साइट, दिस इज अ कल्प्रिट वेसल के जहाँ से इन्फ्लेमेशन कंटिन्यूस हो रहा है, और इसी की वजह से पेन हो रहा है. अभी एक बार हमने ये कल्प्रिट वेसल्स आइडेंटिफाई कर ली, इसके बाद आप देखेंगे कि हमने ये एम्बोलाइजिंग पार्टिकल्स, स्मॉल पार्टिकल्स आते हैं वो हम इंजेक्ट कर रहे हैं. ये पार्टिकल्स भी कॉन्ट्रास्ट के साथ मिक्स किए होते हैं, तो ये रेडियो पे हमको दिख रहे हैं. सो दीज आर द पार्टिकल्स व्हाट वी आर इंजेक्टिंग, एंड दिस पार्टिकल्स आर रीचिंग ओवर हियर दिस ओवर दिस साइट, जिसकी वजह से जो स्मॉल वेसल्स होती हैं
जो इन्फ्लेमेशन के लिए साइटोकाइंस रिलीज करती है वो ब्लॉक हो जाती है और वहाँ से साइटोकाइंस की रिलीज रुक जाती है। सो ये एम्बोलाइजेशन के बाद का वीडियो है, इसके अंदर आप देखेंगे कि जब हमने एंजियोग्राफी की इसी पेशेंट के एम्बोलाइजेशन के बाद, तो यहाँ पे जो हमको ब्लैकनेस दिख रही थी वो चली गई है। सो द इन्फ्लेमेटरी साइट्स के जहाँ से साइटोकाइंस रिलीज हो रहे थे वो साइट्स, वो हमको हमने वो साइटोकाइंस की रिलीज पर हमने रोक लगा दी है। इट इज़ नाइसली विजिबल ऑन दिस फोटोग्राफ्स। पोस्ट एम्बुलेशन दिस प्लांटर आर्टरी देखेंगे तो यहाँ पे ब्लैकनेस कम्प्लीटली चली गई है। और दीज अ प्री एम्बुलेशन पिक्चर जहाँ पे आपको ये ब्लैकनेस दिखने को मिलेगी। दीज अ हाइपरवास्कुलरिटी द साइट ऑफ इन्फ्लेमेशन एंड दीज अ पोस्ट एम्बुलेशन पिक्चर ऑफ द सेम लेग। यहाँ पे हमको ब्लैकनेस नहीं दिख रही है, तो एम्बुलेशन वो है, एम्बुलेशन के बाद ये इन्फ्लेमेशन वो चला गया है, कम हो गया है। एंड वंस इज इन्फ्लेमेशन डिसअपियर तो प्लांटर फेशियाटिस है वो जो प्रोसेस है वो रुक जाएगी और पेशेंट को पेन चला जाएगा। एंड यू विल बी सरप्राइज कि ये पेशेंट को विद इन 3 आवर्स, विद इन आई थिंक सो यस 3 आवर्स, शी इज एबल टू वॉक विदाउट एनी पेन। सो आउटकम देखेंगे तो ये पेशेंट को पेन विद इन फ्यू आवर्स चला गया था एंड दिस इज अ वेरी फैंटास्टिक डे केयर प्रोसीजर। उसमें कोई कट या कोई सूचर नहीं आता है, एंजियोग्राफी करके करते हैं। सो मतलब जो हील रीजन की एंजियोग्राफी करते हैं, एंजियोग्राफी के लिए सिर्फ एक नीडल पंचर से पूरा का पूरा गाइड वायर कैथेटर वहाँ तक ले जाया जाता है। सो विद इन 1 और 2 आवर्स पेशेंट इज एबल टू वॉक एंड इसके बाद और कुछ प्रिकॉशन की ज़रूरत नहीं पड़ती है। एंड दिस इज अ मोस्ट एडवांस्ड प्रोसीजर एंड बेसिकली ये जो रूट कॉज है, जो प्लांटर फेशियाटिस का रूट कॉज, वो रूट कॉज एलिमिनेट करता है। सो दी इज रियली वंडरफुल प्रोसीजर। मैनी कई सारे पेशेंट्स तो उसको मेजिकल प्रोसीजर्स कहते हैं कि इतने 2-3 साल से हम हील पेन के लिए कुछ ना कुछ सफ़र कर रहे थे और आपने ये 2-3 घंटों में या चंद घंटों में अब मेरा पेन रिलीव कर दिया, तो जिस दे फील जस्ट लाइक अ मैजिक। थैंक यू सो मच एंड दीज आर अवर नंबर्स। इफ़ यू हैव एनी क्वेरीज देन यू कैन कॉल अस ऑन दिस नंबर्स एंड वी विल डेफिनेटली ट्राई टू रिप्लाई यू बैक। थैंक यू।